है। तो सबसे इसमें गंगा रिवर सिस्टम में हम पढ़ेंगे, तो गंगा लेक पर आती है, तो उसके बाद उसकी अलग कहानी। और गंगा के प्लेन में आने के पहले गंगा कहाँ है? उत्तराखंड में, यानी कहाँ? माउंटेनियस रीजन, ठीक है। तो वहां पे गंगा बनने के पहले छह नदियां मिलकर क्या कर रही है? इतना कह रही है कि छह नदियां मिलकर क्या कर रही है? गंगा को बना रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? यही पर पंचप्रयाग। क्या पढ़ेंगे? पंचप्रयाग, ठीक। पंच तो जैसे आपको पता है हम लोग को क्या करना है, याद क्या करना है, ठीक। देखो देखिए, सबसे पहले तो ग्लेशियर बना सकते हैं, ठीक है। तो एक ग्लेशियर है आपका यहां पे गंगोत्री, फिर आपका है गंगोत्री के बाद यहाँ कौन सी नदी का देंगे? भागीरथी। कौन सी? भागीरथी, ठीक। उसके बाद दूसरी ग्लेशियर है चौराबाड़ी। कौन सी? चौराबाड़ी। फिर है सतोपर, ठीक। सतोपर, ठीक। उसके बाद है आपका यहाँ पे माना पास है, इस जगह पर माना पास, ठीक है। उसके बाद फिर सतोपद के बाद यहां पे आपको मिलेगी नीति वैली। नीति वैली वैली, नीति वैली, ठीक। उसके बाद फिर यहां पे है एक जगह नंदकुटी। क्या नाम है? नंदकुटी, ठीक। उसके बाद है एक ग्लेशियर पिंडार ग्लेशियर। कौन सा? पिंडार। ठीक है। तो बेसिकली अभी हम यहां पे क्या बता रहे हैं, इन छह रिवर्स जो भी हम आपको बताने जा रहे हैं, इनका ओरिजिन कहां कहां से हुआ, ठीक है। फिर देखिए यहां से भी निकल रही है गंगोत्री से भागीरथी। कौन सी? भागीरथी, भागीरथी। ठीक है। उसके बाद फिर चारावारी से कौन सी निकल रही है? मंदाकिनी। कौन सी? मंदाकिनी। कौन सी रिवर निकल रही है? मंदाकिनी। तो गंगोत्री से कौन सी निकल रही है, ठीक है ना? भागीरथी। और चौराबाड़ी से मंदाकिनी, अभी याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है ना। इसके बाद फिर सतोपद, ठीक। सतोपद से निकल रही है अलकनंदा। कौन सी? अलक। कौन सी निकल रही है? अलक गंगा, ठीक। इसके बाद नीति वैली से निकल रही है आपकी धौली गंगा। कौन सी रिवर? धौली गंगा। ये नंदकुटी से निकल रही है नंदाकिनी। कौन सी निकल रही है? नंदाकिनी, ठीक। और पिंडार ग्लेशियर से निकल रही है कौन सी रिवर? पिंडार। कौन सी? पिंडार। तो यहां पर निकाल दिया क्या? ठीक है, आई बात समझ। तो यहां पर हमने छह नदियां बनाया, पहली भागीरथी, भागीरथी के बाद मंदाकिनी, मंदाकिनी के बाद अलकनंदा, अलकनंदा के बाद धौली गंगा, धौली गंगा के बाद मंदाकिनी, और फिर ठीक है ना। तो सबका ओरिजिन समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे,
अलग मंत्रा, देखिए सारी दिवस ये सारी की सारी काम नहीं है, अलग मंत्रा काम पे अलग, ठीक है ना। तो सीरियल वाइज हम लोग देखेंगे कि नदियों का पहले संगम होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला संगम होता है धौली गंगा, इसका धौली गंगा को किसने अलग मंत्रा, ठीक। तो जब यहां पर होगा यहां पर क्या बनेगा, बनेगा विष्णु प्रयाग, क्या बनेगा विष्णु, क्या बनेगा विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग बनता है। यहां पर माना जाता है कि नारद जी भगवान विष्णु की क्या करते थे, पूजा, ठीक है ना। इस जगह का नाम क्या दिया गया, विष्णु प्रयाग। यही पर क्या है जोशीमठ, नाम सुने जोशीमठ सुने कि नहीं, ठीक है ना। इस जगह पर क्या है जोशीमठ, अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा टॉल्ट क्रिएट हो गया, तो वहां से क्या किया गया रिहेबिलाइजेशन किया गया। करंट अगर आप लोग चार पांच मिनट पहले की बात, ठीक है, देखिएगा पढ़िएगा जोशीमठ में क्या हुआ है अभी से, ठीक है। तो क्या हुआ, हाँ वही फॉल्ट आ रहा, ठीक है। अब देखिए तो यहां पे सबसे पहले कौन सी जगह मिल रही है, धौली गंगा, धौली गंगा जहां अलकनंदा से मिल रही है वो जगह कौन सी है, विष्णु प्रयाग। इसके बाद मिलती है कौन सी रिवर, मंदाकिनी, कौन सी मंदाकिनी मिलेगी। तो जहां पर मिलेगी उस नदी को क्या कहेंगे हम लोग, नंद प्रयाग, क्या कहेंगे नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, क्या कहेंगे नंद प्रयाग, आएगा सुनो आगे। इसके बाद फिर मिलती है कौन सी रिवर, पिंडा, किससे मिल रही है अलग नंदा से। जब अलग नंदा से पिंडा मिलेगी तो यहां पे क्या बनेगा कर्ण प्रयाग, क्या बनेगा कर्ण प्रयाग, क्या बनेगा कर्ण प्रयाग। अभी तक तीन बात हो चुकी है, तीन संगम की बात हो चुकी है, पहला धौली गंगा जहां मिल रही है वो जगह कौन सी है विष्णु प्रयाग, उसके बाद फिर मंदाकिनी जहां मिल रही है वो क्या है नंद प्रयाग, और उसके बाद फिर पिंडारी में जहां मिल रही है वो कौन सी जगह है कर्ण प्रयाग, ठीक। उसके बाद इस अलग नंदा में कौन सी नदी मिलती है, मंदाकिनी, क्या मिलती है मंदाकिनी, जहां पे मंदाकिनी मिले किसे लोग क्या कहेंगे, उसे लोग कहेंगे रुद्र प्रयाग, क्या कहेंगे रुद्र प्रयाग, क्या कहेंगे रुद्र प्रयाग, ठीक। इसके बाद लास्ट नाट में इससे कौन सी रिवर, और ये कौन सी जगह है देव प्रयाग, देव हुआ। तो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद रिवर क्या बनती है गंगा, क्या बनती है गंगा, और जो पहला शहर यहां पड़ता है वो कौन सा है ऋषिकेश, कौन सा है ऋषिकेश, और ट्रेन में आती है तो कहां आती है हरिद्वार, कहां आती है समझे आया, बना लीजिए पहले याद करा देते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन ये यहां से ओरिजिन हो रहा है, यहां से ओरिजिन हो रहा है, पहले गंगोत्री क्वेश्चन, फिर चौराबारी क्वेश्चन, फिर सतोपट, फिर नीति वैली, फिर इसके बाद नंदगुटी और पिंडार क्वेश्चन, ये छह जगह है जहां से छह रिवर निकल रही है। पहली कौन सी है भागीरथी, फिर मंदाकिनी, फिर अलकनंदा, अलकनंदा फिर पहले कौन मिल रही है धौली गंगा, जहां मिल रही है वो कौन सी जगह है विष्णु प्रयाग, फिर जहां पर मंदाकिनी मिल रही है वो कौन सी जगह है नंद प्रयाग, फिर जहां पिंडार रिवर मिल रही है वो कौन सी जगह है कर्ण प्रयाग, फिर मंदाकिनी जहां मिल रही है वो कौन सी जगह है रुद्र प्रयाग, फिर आपकी भागीरथी जहां मिल रही है वो कौन सी जगह है, आपके मंदाकिनी पर क्या है आपका केदारनाथ इसी पर है, ठीक है। और यहां इस पे अलग मुंडा पे क्या है बद्रीनाथ, क्या है बद्रीनाथ, ठीक। तो इसीलिए यहां पे ये क्या है
केदार में। और यहां पर क्या है नार पर जितने यहां पर बद्रीनाथ। अगर क्वेश्चन आ जाए केदारनाथ किस जगह पे है तो ठीक है ना, और अगर गंगा पर क्या है भागीरथ, ठीक बना लीजिए।